गुड इवनिंग, आप लोग का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल द विजन क्लासेस में। हाँ, थोड़ी सी लेट हो गई 5 मिनट, उसके लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग जहाँ से देखे थे कल, वहाँ से फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रकाश के अपवर्तन, सभी को गुड इवनिंग। रंजीत कुमार, नगेंद्र यादव, शैलेश जी, चलिए गुरु सिंह, सभी का आपका गुड इवनिंग है। नगेंद्र यादव, सभी का गुड इवनिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग ज़ोरदार तरीक़ा से हम लोग आगे बढ़ेंगे। और जितने भी बच्चे हैं सबको शेयर भी कर दें ताकि और जो लोग हैं जुड़ जाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग प्रकाश के अपवर्तन देख रहे थे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है ना। अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए, यहाँ तक हम लोग कवर कर चुके थे कि प्रकाश के अपवर्तन के मुख्य कारण क्या है, और इससे आगे थे शायद ये भी हम लोग कवर कर चुके थे। इसके बाद आपका सघन माध्यम और विरल माध्यम है, ये भी हम लोग देख चुके थे कल। इसके बाद चलिए आगे बढ़ेंगे और आगे की जो क्वेश्चन है उसको भी देखेंगे। ये भी हम लोग देख लिए थे, ये भी देख लिए थे, ये भी देख लिए थे, है ना। और यहाँ तक भी हम लोग देख चुके थे शायद। चलिए बबलू कुमार, हाय। चलिए जितने भी बच्चे हैं बहुत बढ़िया, आप लोग जल्दी से जुड़ जाइए और आप लोग शेयर करते जाइएगा, सब्सक्राइब करना तो ना भूलें। यहाँ देखिए आपका अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं। आप लोग जानते हैं कि निर्वात में प्रकाश के चाल बट्टा में जिस माध्यम का आपका अपवर्तनांक निकाल रहती है उसकी आपका क्या करते हैं, चाल के अनुपात को हम लोग अपवर्तनांक कहते हैं। इसे म्यू द्वारा सूचित किया जाता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हम लोग का क्या है तो क्वेश्चन को आगे बढ़ाना है ना। क्वेश्चन है आपेक्षिक अपवर्तनांक। आपेक्षिक अपवर्तनांक का मतलब क्या होता है आप लोग जानते हैं तो बहुत बढ़िया। आपेक्षिक का मतलब होता है रिलेटिव, आपका जो है रिलेटिव इंफ्रास्ट्रक्टिव इंडेक्स, यानी कि आपका किन्हीं दो माध्यमों के निरपेक्षण अपवर्तनांक के अनुपात को ही आपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। यानी कि बात की जाए तो दो माध्यम का अपवर्तनांक, जैसा कि हम लोग कल देखे थे कि अपवर्तनांक निकालना सीख गए थे कि अपवर्तनांक कैसे निकालेंगे। जब भी आपका कहा होगा जिस माध्यम का अपवर्तनांक निकालने कहे उस माध्यम का आपका क्या करना है, तो निर्वात में प्रकाश के चाल बट्टा में जिस माध्यम का अपवर्तनांक निकालने कहे उस माध्यम का अपवर्तनांक हम लोग उसकी चाल को लिख देंगे अनुपात करके, उसके बाद जो भागा देकर के आएगी वही आपका अपवर्तनांक कहलाती है। तो यहां पर देखिए दो माध्यमों का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहने का मतलब यह है आपेक्षिक अपवर्तनांक वही कहलाता है जो दो माध्यम का क्या करे आपका अपवर्तनांक हो। जैसे कि आपका पानी का भी और कह दे पानी और कांच दोनों का अपवर्तनांक क्या करेगा, जो आपका कांच होगा पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक निकालने की बात ही की जाएगी, तब इसको क्या कहेंगे आपेक्षिक अपवर्तनांक कहेंगे। यानी कि पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, मतलब कि कांच का जो पानी का अपवर्तनांक है बटा में कांच का अपवर्तनांक कर देंगे तो इसका आपेक्षिक अपवर्तनांक निकल जाएगी। चलिए जैसे कि यहाँ पर देखिए आपको दिखा दें एक कि पानी का जो अपवर्तनांक होता है आप जानते हैं कितना होता है, 3/3 इतना आ गया था 2.5 है ना, तो इसको 300 कर देंगे, इसको काटेंगे तो के बार में कटेगा, तो ये देखिए आपका 25 से काट देते हैं, 25 2 25, यहाँ देखिए आपको 1 25 होता है ना, 25 9 और ये हो जाएगा 25 4 100, 4 3 12 आपका हो जाएगा 12 बार में कटेगा, और यहाँ देखिएगा 3 4 12 आई 3 3 9 तो 4/3 हो जाएगा। और एक कांच का होता है ना, तो कांच का हो जाएगा 3/2, तो 300, तो 300 में से आपका क्या कर देंगे 2 से घटा देंगे, तो ए आपका आ जाएगा 3/2 आपका होता है 2 है ना। तो यानी कि आपको कांच का आपको कह देगा पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक निकालने का देगा, तो यहाँ पर आपका पानी का हो गया 4/3, अब बट्टा में 3/2। अब इसको क्या करेंगे हम लोग गुना कर लेंगे कैसे, क्योंकि ये नीचे वाला भाग रहता है ऊपर जाता है तो गुना में, तो 4/3 और गुना में आपका हो जाएगा 2/3, तो 4 2 8 और बट्टा में 3 3 9 यही आपका क्या हो जाएगा, तो पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक हो जाएगी।
चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को भी देखेंगे। तो यहाँ अपेक्षित अपवर्तनांक क्या होता है, तो किन्हीं दो माध्यमों के आपका क्या होता है, आपका अपवर्तनांक के अनुपात को ही क्या कहते हैं, अपेक्षित अपवर्तनांक कहते हैं। अब चलिए आगे क्वेश्चन है उसको देखिए। और क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, कहता है कि हवा में जाती हुई प्रकाश किरण एक किरण किसी पारदर्शी पदार्थ पर आपतित होती है। तो यहाँ देखिए आपका एक क्वेश्चन दिया गया है कि यदि किसी अभिलंब से 60 डिग्री का कोण बनाता है तथा पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करने पर 30 डिग्री का कोण बनाकर मुड़ जाती है तो इसका अपवर्तनांक ज्ञात करें। आपको जानना है तो बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। आप लोग जानते हैं, आप लोग को ये HW में रहेगा कि इसको कैसे बनेगा उसको मैं बता देता हूं। तो यहां देखिए आपका क्या है, तो आपतन कोण को I के द्वारा सूचित किया जाता है। आप लोग जानते हैं आपतन कोण को कहा है, तो आई के द्वारा सूचित किया जाता है, ठीक ना। तो इसको कर देंगे साइन आई का मान दिया हुआ है, याद रखिएगा साइन आई का मान कितना है, तो 60 डिग्री। यानी कि हम कह सकते हैं कि साइन आई जो आपका है, आई का मान रख देंगे 60 डिग्री, यानी कि साइन साठ बट्टा में क्या हो जाएगा, साइन 30। आप लोग इसका मान रख करके क्या करिएगा, तो बनाइएगा, ये आपका HW है। इसके बाद आपका क्या होगा, तो म्यू का मान निकल जाएगी, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए इसको आपको कहा है, तो साइन आपका इतना तो मान होना चाहिए, अगर दसवां में पढ़ते हैं तो इतना भी तो आपको याद होनी चाहिए ना। अब इतना आप लोग करके आइएगा कल, ये आपका HW है याद रखिएगा, नहीं तो कल मैं अगले क्लास में मैं कराऊंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन याद रखिएगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखेंगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखिएगा क्या है। तो लेंस, जी हाँ, लेंस किसे कहते हैं, ये आपको जानकारी प्राप्त होगी, आप लोग बहुत बार लेंस के नाम सुने होंगे। तो चलिए यहाँ देखिएगा लेंस क्या है, आप लोगों को दिख रही है ना साफ साफ। तो यहाँ देखिए आपका लेंस किसे कहते हैं, तो यहाँ देखिए आपका कहा है, तो कांच का बना पारदर्शक पदार्थ का वैसा टुकड़ा जो क्या हो, ज्यामितीय सतहों से कम का है तो घिरा होता है, कितने, तो दो भागों से, है ना। और वह का हो, उसका कम से कम एक भाग वक्र हो, जैसे कि आपको यहां पर दिखा जा रहा है, आपको दिखाएंगे आगे कैसा होता है आपका लेंस, ठीक ना। तो कांच का बना पारदर्शक पदार्थ का वैसा टुकड़ा जो दो ज्यामितीय सतहों से घिरा हो तथा जिसका एक भाग का हो वक्र हो, याद रखिएगा वक्र का मतलब क्या होता है, मुड़ा हुआ होना चाहिए, है ना। तो यहां देखिए आपको कैसा होता है, तो लेंस इस प्रकार से होता है, ए आपको दिख रहा होगा, देखिए ए लेंस होता है, तो एक क्या हुआ, तो मुड़ा हुआ है ना, कम से कम एक भाग का होना चाहिए तो मुड़ा हुआ रहना चाहिए, उसे क्या कहते हैं, आपको लेंस कहेंगे, याद रखिएगा, या तो इस प्रकार से वक्र हो या तो इस प्रकार से वक्र हो, उसे क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं। और लेंस क्या होता है, तो दो प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा, टू टाइप्स ऑफ लेंस, एक होता है कॉनकेव, एक होता है कॉन्वेक्स। यहाँ देखिए आपका एक को कहते हैं उत्तल लेंस और एक को कहते हैं अवतल लेंस, है ना, ये बात भूलिएगा नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं कि लेंस किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से दिखता है, उसको भी मैं दिखलाऊंगा, याद रखिएगा कि लेंस, यस यस गुरु सिंह, ये आपको सही है, कनकेव और कन्वेक्स लेंस, बहुत बढ़िया। यहाँ देखिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए कि गोलीय लेंस या ताल क्या होता है। तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि यहाँ पर आपका कहा है, तो ये लेंस दिख रहा होगा शायद, और इस प्रकार से लेंस आपको दिखाया जाता है, आप लोग कभी कभी देखते होंगे चश्मा में भी आपका क्या होता है, तो लेंस लगा हुआ रहता है, याद रखिएगा, चश्मा देखे होंगे उसमें आपका क्या होता है, तो लेंस लगाया जाता है, बहुत सारे जो आपका है आपका चश्मा जो सन ग्लासेस होते हैं सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, तो कांच का बना होता है ना। यहाँ देखिए आपको जो बात की जा रही है कि जो लेंस गोलीय लेंस या ताल क्या है, तो वैसा लेंस जिसका दो सतह का हो, किसी खोखले किसी गोले का दो भाग होता है, उसे क्या कहते हैं, गोलीय लेंस कहते हैं, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। जितने भी बच्चे देख रहे हैं, याद रखना है कि जो आपका जो गोलीय लेंस होता है वह क्या होता है, दो वह का होता है, तो गोले के सतह से बना होता है, दो जब तक गोला भाग नहीं लेगा तब तक लेंस नहीं बनेगा, या दो सतह जब तक नहीं होगा जब तक आपका क्या होगा, लेंस का निर्माण नहीं होगा। यह भी बात याद रखिएगा कि लेंस जब भी बनेगा उसका एक भाग का होना चाहिए, तो वक्र होना अनिवार्य है, याद रखिएगा। जैसा कि यहां पर देखिए आपको कहा है, तो लेंस दो प्रकार के होते हैं, यह दो प्रकार के होते हैं, पहला क्या है, उत्तल लेंस जिसको कॉन्वेक्स और का है, तो अवतल लेंस को कॉनकेव लेंस कहा जाता है, ये बात याद रखिएगा। यहां पर इसका फिगर भी आप लोग देख रहे हैं कि ए आपका का है, तो कॉनकेव है, यानी कि इसको हिंदी में क्या कहते हैं, उत्तल लेंस कहते हैं ना।
इसको उत्तल लेंस कहेंगे और इसको कॉनकेव को क्या कहते हैं, अवतल लेंस कहते हैं। ये बात याद रखनी है। ठीक, इस प्रकार से आप लोग देखे होंगे, कभी कभी आप लोग का लेंस होता है इस प्रकार से, आपका लेंस होता है, ये आपका क्या है तो उत्तल लेंस है और ये वाला क्या है तो अवतल लेंस होता है। ठीक है, और चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको तो देख लिया हम लोग बहुत आसानी तरीका से कि ये आपका क्या है तो उठा हुआ भाग रहेगा उसको उत्तल लेंस कहते हैं, और ये यहाँ आपका धंसा हुआ जो भाग रहेगा उसे क्या कहते हैं, आपको याद रखना है अवतल लेंस कहते हैं। या तो आप लोग को और आगे बताएंगे कि जिसका बीच का भाग मोटा होता है, जिसका बीच का भाग का हो मोटा हो किनारे की अपेक्षा उसे उत्तल लेंस कहते हैं, और जिसका बीच का भाग का हो धंसा हुआ यानी कि पतला हो उसे क्या कहते हैं, अवतल लेंस कहते हैं। ये बात याद रखिएगा, किनारे का भाग मोटा हो उसे अवतल लेंस और बीच का भाग मोटा हो उसे उत्तल लेंस कहते हैं। या तो कह सकते हैं किनारे का भाग का हो पतला हो उसे उत्तल लेंस और बीच का भाग पतला हो उसे अवतल लेंस कहते हैं। ठीक है, चलिए आप लोग शेयर करते जाइए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और इसको देखेंगे कि जो लेंस है दो प्रकार के होते हैं। उत्तल लेंस किससे कहते हैं, उत्तल लेंस कितने प्रकार के होते हैं उसको भी हम लोग देखेंगे। यहाँ चलिए देखते हैं कि उत्तल लेंस क्या है और कैसा होता है ना। यहाँ देखिए आपका उत्तल लेंस किससे कहते हैं क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन किसको कहा है तो उत्तल लेंस, तो किसे कहते हैं तो वैसा गोलीय लेंस जिसका मध्य भाग किनारे की अपेक्षा क्या हो अधिक मोटा हो उसे क्या कहते हैं, उत्तल लेंस कहते हैं। याद रखिएगा, जैसा कि आपको यहाँ पर लेंस दिख रहा होगा, यहाँ देखिए आपका किनारे की अपेक्षा क्या है तो बीच का जो भाग है वह क्या है मोटा है, तो जिस लेंस का क्या हो किनारे की अपेक्षा बीच का भाग का हो मोटा हो उसे क्या कहेंगे, उत्तल लेंस कहेंगे। क्या कहेंगे, उत्तल लेंस कहेंगे, याद रखिएगा। और किनारे का भाग पतला हो उसे भी हम लोग उत्तल लेंस ही कहेंगे, याद रखनी है। और बीच का भाग मोटा हो उसे भी उत्तल लेंस ही कहेंगे, ये बात याद रखिएगा। ये इस प्रकार से लेंस होता है, आप लोग देखे होंगे आँख में भी आपका क्या होता है, जो मानव नेत्र होता है मानव नेत्र में भी आपका जो लेंस लगा होता है वह कौन सा लेंस रहता है आप जानते हैं, जल्दी से बताइए कौन सा लेंस लगा रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देखिए कि उत्तल लेंस तीन प्रकार के होते हैं। जी हाँ, उत्तल लेंस जो होते हैं वह कितने प्रकार के होते हैं तो तीन प्रकार के होते हैं, आप लोग जानते हैं तो जल्दी से बताइए कि उत्तल लेंस जो होते हैं तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये पहला जो आपका होता है उत्तलोत्तल लेंस होता है, दूसरा समतलोत्तल लेंस होता है, और तीसरा जो आपका है वह अवतलोत्तल लेंस होता है। ठीक है, यहाँ देखिए आपको तीन प्रकार का जो फिगर है आपको पता चल रहा होगा, इसका डेफिनेशन आप लोग लिखना चाहते हैं तो ध्यानपूर्वक आप लोग कापी कलम निकाल लें, मैं बोल रहा हूँ। चलिए, गुरु सिंह का बहुत अच्छा जवाब रहता है, बहुत बढ़िया आप आपका आंसर है। यहाँ देखिए आपका उत्तलोत्तल लेंस क्या होता है, उत्तलोत्तल लेंस को ही क्या कहते हैं, द्वि उत्तल लेंस कहते हैं। या तो आपको क्वेश्चन आ जाए, जैसा कि आप लोग जनरली जानते हैं कि जो मानव नेत्र होता है, मानव नेत्र जब मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा उसमें भी आपको डिटेल्स दूंगा। यहाँ देखिए आपको जो बात करते हैं मानव नेत्र में भी क्वेश्चन आ जाएगा उत्तल लेंस रहता है, लेकिन उत्तल लेंस ना दे करके द्वि उत्तल लिख देता है। ठीक ना, द्वि उत्तल लेंस लिख दे तो क्या करेंगे, दुई उत्तल लेंस लिख दे तो क्या बोलेंगे हम, क्या इसका आंसर सही है या गलत है, जल्दी से बताइए। तो दुई उत्तल लेंस का मतलब होता है आपका दोनों सतह क्या हो, उत्तल हो। जैसे कि यहाँ जस्ट लाइक देख सकते हैं, है ना, ये आपका जो फिगर है यह दुई उत्तल का है, या तो उत्तलोत्तल बोलेंगे। ठीक है, जैसा कि देखो एक भाग उत्तल है उठा हुआ है ना, और दूसरा भाग भी इधर से उठा हुआ है, ऐसे क्या कहते हैं, दुई उत्तल कहते हैं। दोनों भाग उत्तल हो यानी कि उठा हुआ हो उसे दुई उत्तल लेंस कहते हैं, या तो हम लोग जनरली इसी को हम लोग क्या कहते हैं, उत्तल लेंस बोलते हैं। ये बात भी आपको भूलने वाली नहीं है। ठीक है, आपको माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आपको दुई उत्तल लेंस भी दे दिया जाता है, तो ये दुई उत्तल लेंस जो है, चलिए बहुत बढ़िया, बाय कॉन्वेक्स सही है। तो यहाँ जो आपका बात कर रहे हैं कि ये जो आपका दोनों सतह का हो तो उठा हुआ रहता है ना, उत्तल होता है, उसे क्या कहते हैं, उत्तल लेंस कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी जो आपका बात है, यहाँ पर आपको याद रखिएगा इसका जो डिफिनेशन हो जाएगा वह क्या हो जाएगा कि दोनों सतह का हो उठा हुआ रहता है या उभरा हुआ रहता है उसे क्या कहते हैं, दुई उत्तल लेंस कहते हैं। यहाँ देखिए आपका क्या है, दूसरा जो आपका फिगर है इसका जो आपको क्या कहते हैं, समतलोत्तल लेंस कहते हैं। समतलोत्तल का बात क्या होता है, एक भाग क्या हो समतल हो, दूसरा भाग उठा हुआ हो या उत्तल हो, है ना, उसे क्या कहते हैं, समतलोत्तल लेंस कहते हैं। ये बात याद रखिएगा।
अब देखिए तीसरा जो है अवतलोत्तल उत्तर, तो यहाँ देखिए एक भाग अवतल हो दूसरा भाग उठा हुआ हो उसे अवतलोत्तल लेंस कहते हैं, याद रखिएगा। ये तीन प्रकार का आपका लेंस हो गया, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले लेंस के बारे में हम लोग जानेंगे कि क्या होता है। अगला लेंस है अवतल लेंस, किसे कहते हैं, अवतल लेंस क्या है उसके बारे में हम लोग जानेंगे और अवतल लेंस को कितने प्रकार होते हैं इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अवतल लेंस है ना, अवतल लेंस किसे कहते हैं, तो वैसा गोलीय लेंस जिसका किनारे के अपेक्षा मध्य भाग का हो अधिक पतला हो उसे अवतल लेंस कहते हैं, याद रखिएगा। किनारे के अपेक्षा बीच का जो भाग होता है वह का हो अधिक पतला होता है उसे क्या कहते हैं, अवतल लेंस कहते हैं, याद रखिएगा। जैसा कि यहाँ देख सकते हैं जो फिगर है वह का है अवतल लेंस का ही फिगर है। अवतल लेंस का भी तीन प्रकार होता है, याद रखना है। अवतल लेंस कितने प्रकार के, तो तीन प्रकार के होते हैं। पहला क्या है जो देखिएगा, अवतल अवतल यानी कि दोनों भाग क्या हो अवतल हो, दोनों भाग क्या हो अवतल हो, फिगर दिख रही होगी एक भाग ये अवतल है एक भाग ए अवतल, इसे क्या कहते हैं अवतला अवतल कहते हैं, या तो दुई अवतल बोल सकते हैं या सिंपल में हम लोग इसको अवतल लेंस के नाम से भी जानते हैं। चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात है समतला अवतल, ठीक है। समतला अवतल का मतलब क्या होता है, जिसका एक भाग क्या हो समतल हो दूसरा भाग का हो अवतल हो, है ना। एक भाग समतल हो ये समतल वाला भाग है, एक भाग अवतल हो उसे क्या कहते हैं समतला अवतल लेंस कहते हैं, याद रखिएगा। तीसरी की बात है कि उतला अवतल हो गया जिसका एक भाग उठा हुआ हो एक भाग अवतल हो, याद रखिए। जैसा कि इस प्रकार से है ना, एक क्या हो जाएगा आपका उतला अवतल कहलाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां तक आप लोग समझ गए होंगे उम्मीद करता हूं। अब देखिए आपका क्या है, तो क्वेश्चन कहा गया है कि लेंस का कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, लेंस का कुछ महत्वपूर्ण बिंदु कहने का मतलब क्या होता है, तो जो लेंस में जो आपको दो चार को पॉइंट होते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, जैसा कि आपको यहाँ पीछे लिखा गया होगा कि द्वारक वक्रता केंद्र फोकस आपका जो होता है, प्रकाशीय केंद्र होता है पहला फोकस दूसरा फोकस मुख्य अक्ष, ये सब की जानकारी इसमें मिलती है। चलिए हम लोग एक फिगर पार करके देखते हैं कि इसका जो महत्वपूर्ण बिंदु है या तो कुछ जो महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात की जा रही है कैसे होता है इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं ना। तो थोड़ा सा मैं फिगर को बना लूं इधर, थोड़ा सा किधर तो इधर, तब तक आप लोग शेयर कर दें, थोड़ा सा मैं फिगर बनाता हूं, है ना। चलिए मैं एक लेंस लेता हूं, इस प्रकार से लेंस बना लिए, यहां सा थोड़ा सा हम मिटा लेते हैं, ये हो गया। एक मैं स्केल लूँगा, यहाँ से इसको मैं बना लेता हूँ स्केल के माध्यम से, महत्वपूर्ण बिंदु की जानकारी यहाँ से ही मिलेगी। चलिए इसको थोड़ा मैं यहाँ कर लेता हूँ, तड़प तड़प के आँखें निकलने लगी ऐसा क्यों करूँ। यहाँ से हम लोग का जो किरण जाएगी सीधा जाएगी, एक किरण मैं यहाँ से गुजारूँगा जहाँ पर आपका वस्तु रखी जाएगी, और ये जो किरण है वह प्रकाशीय केंद्र से गुजरेगी,
यहाँ देखिए आपका लेंस का एक फोकस होता है जिसको F2 के नाम से जानते हैं, इधर आपका एक होता है फोकस, इसको F1 कहते हैं, और यहाँ पर आपको लिख देता हूँ C1, और A हो जाएगा यहाँ पर आपका C2। ये आपका प्रतिबिंब बना है, कोई दिक्कत की बात नहीं। इसको हम लोग ओ कहते हैं, जिसको प्रकाशीय किरण से भी हम लोग जानते हैं। ये आती ही प्रकाश किरण है, ये भी आपको आती ही है, ये जा रही है, ये जा रही है। अब देखिए इसको कहते हैं प्रथम फोकस, इसको कहते हैं आपको प्रथम वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र हो गया, ये आपका प्रथम फोकस है, याद रखना है, शायद दिख रही होगी, दिख रही है सभी लोग को। इसको कहते हैं द्वितीय फोकस, द्वितीय फोकस, इसको वक्रता केंद्र के नाम से जानते हैं। अब देखिए ये जो आपका C2 है, इसी को हम लोग 2F1 F2 के नाम से भी जानेंगे, यहाँ पर भी आपका का है, तो आगे चल के हम लोग C1 को हम लोग 2F1 के नाम से जानेंगे, ठीक है। अब देखिए ये जो लाइन है, इसको हम लोग मुख्य अक्ष के नाम से जानते हैं, मुख्य अक्ष के नाम से जानते हैं, ठीक है। और ये जो आपका बिंदु है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये जो बिंदु है, इसको हम लोग प्रकाशीय केंद्र के नाम से जानते हैं, ये बात याद रखिएगा, प्रकाशीय केंद्र। चलिए और यहाँ पर एक जो बात इम्पोर्टेंट होता है, ये लेंस की जो मोटाई होता है, इसे को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग द्वारक के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब इतनी सारी जो बात है, अगर आप लोग क्लियर कर लिए हैं तो देखिए मैं बतलाना चाहता हूँ, ए आपका क्या है, तो यहाँ पर कोई वस्तु रखी गई है, ये बात याद रखिएगा। अब यहाँ देखिए ए आपका जो लेंस है, वह कौन सा लेंस है, वह है आपका उत्तल लेंस की अवतल लेंस, तो इसको कहते हैं उत्तल लेंस, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर, देखिए जो आपका फोकस होता है और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, इसके में देखिए आपका वक्रता केंद्र होती है, जो आपका जो दो गोले का जो होता है ना केंद्र, जो आप लोग लेंस जानते हैं दो गोला का बना होता है, तो दोनों के जो गोला का जो केंद्र होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। फोकस जो होता है, जो आपका मुख अक्ष का किरण जो आपका आता है समांतर, उसको जो बिंदु पर काटते हैं मुख अक्ष पर, उसे हम लोग फोकस का निर्माण करते हैं, ये बात याद रखिएगा। आपका फोकस और वक्रता केंद्र जो आपका है एक नहीं होगा, यहाँ हम लोग आसानी तरीका से हम लोग क्या कहते हैं, तो डबल यानी कि फोकस के दोगुनी दूरी कर देते हैं, तो उसको हम लोग फोकस कहते हैं, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, जैसा कि हम लोग पीछे पढ़ चुके थे कि R बराबर क्या होता है, 2F होता है, तो क्या होता है, तो जो R है वो वक्रता त्रिज्या से दुगनी दूरी जो आपका होता है, वो क्या होता है, तो आपका वक्रता त्रिज्या कराता है, और इसकी आधी दूरी होती है, उसको क्या कहते हैं, तो फोकस के आधी दूरी वक्रता केंद्र से वक्रता त्रिज्या से आधी होती है जो फोकस होती है, तो वक्रता त्रिज्या के क्या होगा, तो जो फोकस होगा वह दुगना हो जाएगा, फोकस दूरी के दुगना के बराबर आपका वक्रता त्रिज्या होता है, इसीलिए हम लोग 2F का निर्माण या 2F का कर देते हैं, ठीक है। अगर फोकस का दुगना करेंगे तो वक्रता त्रिज्या का मान निकल जाएगी। तो यहां जो बात करते हैं, ये जो लेंस है उसको देखिए, पहले लेंस है वह है उत्तल लेंस। अब उत्तल लेंस के क्या होता है, तो ये उत्तल लेंस में आपका क्या होता है कि दो गो क्या होते हैं, तो वक्रता केंद्र होते हैं, याद रखिएगा, एक प्रथम वक्रता केंद्र जिसको हम लोग C1 के नाम से जानते हैं, और आगे जो फिगर होगा या तो आगे जो हम लोग प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे उसमें C1 के जगह पर 2F1 का बात करेंगे, और जो C2 होता है उसको हम लोग 2F2 के बात करेंगे, ये बात याद रखिएगा, इसलिए हम लोग यहां पर ही बात लिख दिए हैं, ठीक ना। तो यहां देखिए आगे बढ़ते हैं, एक होता है क्या कि ए होता है प्रकाशीय केंद्र, जिसको हम लोग ओ द्वारा सूचित करते हैं, लेकिन सबसे पहले जानेंगे कि लेंस क्या है, तो उत्तल लेंस है, और उत्तल लेंस का जो द्वारक होता है, ये बात याद रखिएगा। थोड़ा सा मैं कलर चेंजिंग कर लूं क्या, कलर में तो सब कुछ तो ऐसा ही लगेगा,
चलिए ये द्वारक है उसको देखिएगा। तो लेंस का जो मोटाई होता है, लेंस का मोटाई होता है उसे क्या कहते हैं, द्वारक कहते हैं। ये बात याद रखिएगा, लेंस की मोटाई जितना आपका, या तो कह सकते हैं लेंस के जो व्यास होता है, लेंस का जो व्यास होता है उसे ही क्या कहते हैं हम लोग, आपको द्वारक कहेंगे। जहां पर सबसे ज्यादा मोटाई होगी वो आपका लेंस का द्वारक कहलाएगा, ये बात याद रहेगा। दूसरी बात है आपका क्या है, तो वक्रता केंद्र के बारे में बात करते हैं। ये जो आपका केंद्र होता है, आप जानते हैं कि जो लेंस होता है वह दो गोले का बना होता है, ठीक इस प्रकार से मैं एक तरफ पार के दिखा दूं, तो यहां देखिए एक गो यहां पर गोला और एक गोला यहां पर है, तो देखिए ये दोनों का केंद्र होता है उसे क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। अब यहां से साइड से अगर मिटा दूं तो ये आपका क्या होता है, लेंस का निर्माण करेगा। जैसा कि जस्ट लाइक यहां पर देख सकते हैं, मैं मिटा करके दिखाता हूं कि यहां पर आपका क्या हुआ, दो गोले को से बना हुआ केंद्र को हम लोग ये देखिए आपका क्या हो गया, तो उत्तल लेंस का निर्माण हुआ और ये दोनों के जो केंद्र हुआ यहां पर देख रहे हैं ना, एक केंद्र हुआ, यही आपका क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र का निर्माण होता है, ठीक है। तो हर एक लेंस में दो गो वक्रता केंद्र होते हैं, ठीक है। आगे बढ़िए कि वक्रता केंद्र क्या होता है, तो आप जानते हैं कि लेंस के जिस गोलीय सतह से घिरा होता है उसके केंद्र को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। तो लेंस का एक भाग यहां से बना है और एक भाग यहां से बना है, तो दो गो केंद्र बना है लेंस में, उसके कारण हम लोग इसके वक्रता केंद्र कहते हैं। मुख्य फोकस किसको कहते हैं, मुख्य अक्ष किसको कहते हैं, जो देखिएगा। और तो यहां देखिएगा तो दोनों वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा होता है, ये जो आपका रेखा है ये याद रखिएगा, दोनों वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा होता है उसे क्या कहते हैं, आपको मुख अक्ष कहते हैं। ये बात याद रखिएगा, मुख अक्ष किसको कहते हैं, तो वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को ही क्या कहते हैं, मुख अक्ष कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये फोकस का निर्माण किसको कहते हैं, फोकस आप लोग पहले बाद में समझिएगा, लेकिन उससे पहले हम लोग देखेंगे क्या, तो इससे पहले हम लोग जानेंगे प्रकाशीय केंद्र। तो प्रकाशीय केंद्र क्या होता है, तो लेंस में वैसा बिंदु जहां से क्या होता है, प्रकाश की किरण बिना विचरण के, यानी कि बिना विचलन का, वह यानी कि बिना हुआ अपने रास्ता में परिवर्तन के क्या करता है, पार कर जाता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, ये याद रखिएगा, प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। बिना विचरण के गुजर जाता है उसे हम लोग प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। जैसा कि यहां पर आपको लेंस है, लेंस में वैसा बिंदु जहां से प्रकाश की किरण क्या होता है, बिना विचरण के, यानी कि बिना मुड़े हुए, बिना विचलन के वह क्या करता है, सीधा पार कर जाती है, उस बिंदु को क्या कहते हैं, प्रकाशीय बिंदु कहते हैं या प्रकाशीय केंद्र कहते हैं, जिसको ओ के द्वारा सूचित किया जाता है। अब बात करते हैं क्या प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस, तो ये देखिएगा, याद रखिएगा, मुख अक्ष पर वैसा बिंदु जहां से प्रकाश की किरण अगर जाती है तो लेंस के अपवर्तन के बाद वह मुख अक्ष के समानांतर हो जाती है, तो उसे प्रथम फोकस कहते हैं। यहां पर आप लोग देखिएगा कि एक फोकस यहां है, अगर यहां से अगर हम क्या करेंगे तो प्रकाश की किरण को गुजारेंगे ठीक इस प्रकार से, ठीक है। अब यहां से गुजारेंगे तो यह लेंस से अपवर्तन के बाद फोकस से क्या होता है, तो फोकस से जाने वाली प्रकाश किरण मुख अक्ष के समानांतर हो जाती है क्या, तो लेंस के अपवर्तन के बाद। तो यहां देखिएगा ये इसको क्या कहते हैं, प्रथम फोकस कहते हैं। मुख अक्ष पर वैसा बिंदु जहां से प्रकाश किरण क्या होती है, तो लेंस तक जाती है, लेंस से अपवर्तन के बाद मुख अक्ष के समानांतर हो जाती है, उसे क्या कहते हैं, प्रथम फोकस कहते हैं। और द्वितीय फोकस किसको कहते हैं, तो लेंस से, यानी कि आपको कह सकते हैं कि मुख अक्ष के समानांतर आती हुई प्रकाश के किरण वह लेंस से अपवर्तन के बाद फोकस से होकर जाती है, इसे द्वितीय फोकस के नाम से भी जानते हैं। यहां तक अगर बात कंप्लीट हो गई है तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, और इसको आप लोग क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग बहुत सारे घिचबिचा दिए हैं, इससे ज़्यादा तो होगा नहीं। अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, तो डिफिनेशन को इसका देख लेंगे कि क्या डिफिनेशन है। चलिए यहाँ देखिए, वो क्या कहता है कि लेंस का कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, तो लेंस का जो महत्वपूर्ण बिंदु होता है उसको हम लोग देख रहे थे। जैसा कि पहला आपका पॉइंट में क्या कहा गया है कि द्वारक है ना, लेंस का द्वारक क्या है, तो लेंस के वित्तीय परिधि के व्यास को ही क्या कहते हैं, द्वारक कहते हैं। अभी मैं बतलाया कि जो लेंस का जो मोटाई होता है उसी को क्या कहते हैं, द्वारक कहते हैं। दूसरा क्या बात है कि आपका क्या है, वक्रता केंद्र क्या है, तो लेंस के जिस गोलीय सतह से घिरा होता है उसके केंद्रों को वक्रता केंद्र कहते हैं। लेंस में दो वक्रता केंद्र होते हैं, ये बात याद रखनी है। और दूसरी बात यहां पर देखिए होगा, मुख अक्ष क्या है, तो लेंस में वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को ही क्या कहते हैं, मुख अक्ष के नाम से जानते हैं, यह भी बात नोट कर लीजिए। यहां देखिए आपका क्या है, तो प्रकाशीय केंद्र क्या है, तो मुख अक्ष पर स्थित वैसा बिंदु जिसमें
से होकर प्रकाश किरण बिना विचरण के सीधे पार कर जाता है, उसे क्या कहते हैं, प्रकाशीय केंद्र कहते हैं, इसे ओ द्वारा सूचित किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। आगे देखिए कि फोकस क्या है, फोकस के बारे में जानते हैं, पहला फोकस और दूसरा फोकस, है ना। तो पहला फोकस देखिएगा, मुख्य अक्ष पर स्थित वैसा बिंदु, मुख्य अक्ष पर स्थित वैसा बिंदु जिसमें जाने वाले, जिसमें से प्रकाश किरण जाने वाले अपवर्तन के बाद क्या होता है, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। मैं अभी बतलाया, जैसा कि यहाँ पर आपको फिगर बना करके भी दिखा दे सकता हूँ, यहाँ पर आपका लेंस है, यहाँ से आपको क्या होगा, आपका क्या है, फोकस है, यहाँ से प्रकाश किरण जाएगी और यहाँ लेंस के अपवर्तन के बाद क्या होता है, तो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। ये आपका मुख्य अक्ष है, इसके समानांतर हो गई है, ठीक है। दूसरा फोकस जो आपका है, द्वितीय फोकस, उसको देखिएगा कि मुख्य अक्ष पर स्थित वैसा बिंदु जहाँ से मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश किरण क्या होता है, तो अपवर्तन के बाद वह उस बिंदु से होकर गुजरती है। जैसा कि यहाँ पर आप लोग देखिए, एक लेंस है, यहाँ पर आपको देखना है कि यहाँ से मुख्य अक्ष के समानांतर जो प्रकाश किरण आती है वह फोकस से होकर जाती है, इसे क्या कहते हैं, द्वितीय फोकस कहते हैं। यहाँ तक आपको बात समझ में आई तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।